अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। इंग्लिश का लेक्चर है और एमडी क्या की क्लास है। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्टिव पैसिव जो है उसको डिस्कस किया था। आज भी हम लोग एक्टिव पैसिव जो है उसको डिस्कस करेंगे और उसका जो बाकी हमारा रह गया था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। वालेकुम सलाम शहराज हमना। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कल हम लोगों ने एक्टिव पैसिव को कहाँ तक किया था? हम लोगों ने प्रेजेंट किया था। वालेकुम सलाम फातिमा। हम लोगों ने प्रेजेंट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यू, दो हमारे जो है वो टेंसेस हो गए थे। इसी तरह आज प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया जी हमने। अच्छा तैयबा मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? प्रेजेंट परफेक्ट है जी हमारा, एक्टिव पैसिव है और प्रेजेंट परफेक्ट हम लोगों ने कर लिया। अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यू कर लिया था तो फिर इसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही जो है वो बचता है। ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट कर लेते हैं जी, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा सबसे पहले तो ये देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं, वालेकुम सलाम सईदा। अच्छा जी साजिद सायरा, वालेकुम सलाम। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं? प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कौन कौन से? हैज और हमारे पास हैव। फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम लोग यूज करते हैं, बख्तावर, वालिकम साहब। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक्टिव का स्ट्रक्चर है। कौन सा एक्टिव है? हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव के स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन से है? हेल्पिंग वर्ब बॉस और वर। फिर फॉर्म ऑफ वर्ब है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। जी दानी हमारे पास हैज और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। वालेकुम सलाम। अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग देख लेते हैं जी, एक्टिव का स्ट्रक्चर है, एक्टिव की एग्जांपल देख लेते हैं, फिर पैसिव का स्ट्रक्चर करके और उसकी जो है वो एग्जांपल कर लेंगे या उसी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे अपने पैसिव के स्ट्रक्चर में। मैं कहता हूं कि जी आई हैव, डन या आप इसको कर लें फिनिश कर दें या डन कर देते हैं या फिनिश कर देते हैं। आई हैव फिनिश्ड वर्क। हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है? हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है और एक्टिव का स्ट्रक्चर ये हमारे पास है वो आ गया। अच्छा FLP भी डिस्कस कर लेते हैं। FLP में आप लोगों का इतना तो है नहीं था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप लोग ये देख लें प्रेजेंट परफेक्ट देख लें, फिर उसके बाद हम लोग FLP डिस्कस कर लेते हैं। फिर अगर तो टाइम हुआ तो हम लोग नेक्स्ट है वो कर लेंगे, क्योंकि ये लास्ट है हमारे पास। ये अगर हो गया तो इसका मतलब है हमारा जो प्रेजेंट का एक्टिव पैसिव है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है उसको डिस्कस करते हैं जी। पहले आप लोग उसको देख लें फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी हमारे पास क्या है जी? हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ये आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल जो है वो ये आ गया। अब इसको हम लोगों ने एक्टिव की, अगर इसको हम लोगों ने पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है क्या करेंगे? पैसिव का स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद बीन है, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब है, कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म फॉर्म। फिर बाय का एडिशन करेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा जी मैस्कुलिन मिस्टेक करवानी है, क्यों नहीं करवानी? हमारे पास है जी आई हैव फिनिश्ड वर्क, सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किसमें करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीन वर्ब ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सेम आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब है एज और हैव। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते थे, क्या होगा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा वर्क। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से है, ठीक है हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज हैव बीन का एडिशन करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये थर्ड फॉर्म ही है हमारे पास, तो इसको इसी तरीके से लगा देंगे, बाय का एडिशन करेंगे और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा, लेकिन इसका फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ठीक है वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, शाबाश ठीक है। बख्तावर आपका भी ठीक है, अनीबा कोमल ठीक है जी आप लोगों का। ठीक है जी रिमशा आपका भी ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। अब आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर देना है, वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, ठीक है साजी शाबाश। आई हैव टेकन I have taken dinner. कन्वर्ट करेंगे आप लोग इसको, एक्टिव का स्ट्रक्चर ये है, पैसिव का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे आपने कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है इस वाले स्ट्रक्चर में। जल्दी से आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए, डिनर जो है वो स्टार्ट में हमारा आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर उसके बाद मीन लगा देंगे, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, फिर बाय लगा देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में इसको हम लोग सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव केस लगा के ऑब्जेक्ट की जगह पे डिनर हैज बीन टेकन बाय मी, ठीक है अनिबा। और जल्दी से आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, डिनर हैज बीन टेकन बाय मी, साजिद ठीक है, लारिश आपका भी ठीक है, सईदा आपका भी ठीक है, दानिया हसन रिमशा तैबा आयशा शिजा बख्तावर ठीक है, ठीक है जी समझ आ गया जी कैसे कन्वर्ट करना है आप लोगों ने। सिर्फ आप लोगों ने एक चीज का एडिशन करना है परफेक्ट में, वो एडिशन क्या है, वो आप लोगों का बीन का एडिशन है, बाकी क्योंकि फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भी सेम आती है, हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो आप लोगों के सेम आते हैं। अलीशा आपका भी ठीक है, कॉमल हानिया ठीक है जी, सारों का ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों ने सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, वो चीज क्या है आप लोगों का, वो आप लोगों का ये स्ट्रक्चर है, इसमें कन्वर्ट करना है। आपका वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों सेम है, आपका हेल्पिंग वर्ब दोनों सेम है, आपने सिर्फ बीन का एडिशन करना है और बाय जो है वो लगाना है, ठीक है बाय लगाना है और फिर आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। डिनर हैज बीन, मैं इसको लिख लेता हूँ, वैसे आप लोगों ने ठीक लिखा हुआ वैसे लिख लेता हूँ, क्या होगा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस ले लेगा सब्जेक्ट की, क्या आएगा डिनर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या हैज हैव Has been का addition करेंगे, taken form of verb हमारी same है, by subject है, object की जगह चला जाएगा तो इसका objective case आ जाएगा me, तो ये हमारा जो है वो ठीक है फहीम ठीक है आपका भी ठीक है, taken by me। तो इस तरीके से आप लोगों ने convert करना है अपना perfect को, present perfect को। अब हम लोग इसके नेगेटिव एक आध देख लेते हैं, फिर इंट्रोगेटिव देख लेते हैं ताकि हमें जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर नेगेटिव के भी सेंटेंसेस हमारे पास आ जाए तो हम लोग इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर सकें। अच्छा आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब और नॉट, हेल्पिंग वर्ब और बीन के दरमियान में जो है या मिड में जो है वो आप लोगों ने नॉट लगा देना है और फिर आप लोगों का नेगेटिव का बन जाएगा, जैसे मैं कहता हूँ कि जी आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, कन्वर्ट करेंगे किसमें कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव का सेंटेंस है पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट होगा
breakfast has not been taken by me. करना क्या आप लोगों ने, आप लोगों ने करना यह हैज बीन हैव बीन के दरमियान में मिड में आपने नॉट का एडिशन कर देना है, तो ये आप लोगों का नेगेटिव बन जाएगा जी। बख्तावर ठीक किया आपने, अनीबा आपका भी ठीक है, अलसा आपका भी ठीक है, लारिश हैज नॉट बीन, ठीक है ठीक है, समझ आ गया। कन्वर्ट कैसे करना है आप लोगों का, सिंपली हैज बीन के मिड में जो है वो आपका नॉट आ जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, बच्चे जो प्रॉब्लम करते हैं वो ये करते हैं, ब्रेकफास्ट नॉट हैज बीन टेकन बाय मी। अच्छा, एग्जाम में जो है वो ये आपको प्रॉब्लम करेगा, और बच्चे भी ज्यादातर यही मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, नॉट को जो है या तो हैज बीन के पहले लगा देते हैं, या हैज बीन के या हैव बीन के बाद जो है वो नॉट लगा देते हैं, जो कि आप लोगों का रॉन्ग सेंटेंस है। नॉट आपने कहाँ पे लगाना है, नॉट आप लोगों ने हैज और बीन के मिड में जो है वो नॉट का एडिशन करना है, जिससे आपका सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, हैज या हैव जो भी आप लोगों का आएगा, हैज या हैव और बीन के मिड में आप लोगों ने नॉट लगाना है, जिससे आपका सेंटेंस है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और कर देते हैं जी, और ये आप लोगों ने करना, अब इंट्रोगेटिव है, Have you drunk water? Interrogative. Convert कैसे करेंगे? Helping verb आपका start में आ जाएगा, फिर subject आ जाएगा, फिर been आएगा। Helping verb आपका start में आ जाएगा, passive का structure लिख रहा हूं। Helping verb आपका start में आ जाएगा, फिर subject आ जाएगा, फिर been आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस बाय है, प्लस ऑब्जेक्ट है, और इन्वर्टेड कॉमा। जल्दी से आप लोग कन्वर्ट कर दें, एज ब्रेकफास्ट नॉट बीन टेकन बाय मी, ठीक है जी। अच्छा साजिद, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करना होता है ये, हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ही करें। ठीक है साजिद, अनीबा, बख्तावर, लारिश, आयशा, हसन, ठीक है साजिद, सईदा, ठीक है, समझ आ गया जी आप लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना है इसको। अब एक दो एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, उसको जल्दी से आप लोग कन्वर्ट कर दें, फिर हम लोग अपना FLP जो है उसको डिस्कस कर लेंगे, और अगर टाइम हुआ तो इसी का जो है वो कुछ और पार्ट भी हम लोग जो है वो कर लेंगे। She has talked the students. अब आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है जी। अच्छा सईदा, यू जो है वो चेंज, ये देखो यू का अगर पर्सनल प्रोनाउन देखो तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये आपका पोजेसिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो यू का सब्जेक्टिव और यू का ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम होता है, मतलब चेंज कर भी लें तो आप लोगों का सेम होगा, क्योंकि इसका केस ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस है वो यू का सेम होता है। अच्छा, और नेक्स्ट आप लोगों के पास एग्जाम्पल है, हैव They cut the crop
और क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, द स्टूडेंट्स हैव बीन टॉक बाय हर। ठीक है ठीक है, स्टूडेंट्स हैव बीन टॉक बाय हर। ठीक है, द स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट्स जो है, रिमशा आपने स्टूडेंट लिखा हुआ है, फिर हैव भी लगा रहे हो साथ में, तो आप लोगों ने ये करना है, इसके साथ आर्टिकल जो है वो लगाना है, आप लोगों ने द का आर्टिकल जो है वो इसके साथ लगाना है। हमारा नाउन के साथ जो है वो आर्टिकल यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया हुआ है, तो हम लोग इसको भी जो है वो यूज करेंगे। द स्टूडेंट हैव बीन टॉक बाय, ठीक है, हैज क्रॉप बीन कट बाय by them, Sajid has a crop been cut by them, ठीक है Saida have, अच्छा crops नहीं लिखा हुआ, crop है, has a crop been cut by, have, अच्छा फरासत आप have लगा रहे हो और फिर crop लगा रहे हो, हैड नहीं आएगा रिमशा, हैड कहां से आ गया, आपका हैज या हैव आएगा रिमशा, हैड नहीं आएगा, हैड तो हमारे पास्ट में आएगा। ठीक है तैयबा आपका भी ठीक है, अलीशा हफ्सा आप लोगों का ठीक है, ठीक है जी हबीबा ठीक है, क्रॉप बीन कट बाय, समझ आ गया कैसे आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। एक और देख लेते हैं, I have sent him message. I have sent him message. Fahim, ठीक है जी आपका भी, crop has been, has crop, अच्छा has crop, has दो दफा क्यों लिखा फहीम आपने, अच्छा स्टूडेंट है तो आप हैव लगाओगे या इसके साथ, तो आप हैव लगाओगे, क्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ, इसके साथ आपने हैज जो है वो एक फसल की बात करें, ज्यादा की क्रॉप्स की बात करते हैं तो फिर हैव लगाओगे, हैज क्रॉप बीन कट बाय, ठीक है अच्छा जी, मैसेज हैज बीन सेंट बाय मी, मैसेज हैज बीन सेंट बाय मी, ठीक है मैसेज हैज बीन सेंट बाय मी, मैसेज हैज बीन सेंट बाय मी, दोनों कर सकते हो आप लोग, मैसेज हैज बीन सेंट बाय मी, मैसेज हैज बीन, ठीक है जी रिमशा तैयबा हानिया ठीक है जी आप लोगों का। एक और कर देते हैं जी, अच्छा जी when have they when they have taken meal, when they have taken meal, or कौन सा है इन्वर्टेड कॉमास इंट्रोगेटिव मैसेज हैज बीन, ठीक है अलीशा आपका भी ठीक है, हबीबा रिमशा मैसेज हैज बीन सेंड टू हिम बाय मी, आई हैव सेंड हिम मैसेज, ठीक है जल्दी से आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर देना। फिर इसके बाद है जी शी हैज टॉक्ड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैव बीन talk
बाय। हाँ फिर उसके बाद है जी आप लोगों का क्रॉप्स, द क्रॉप एस बी सॉरी एस द क्रॉप बीन कट बाय देम। क्लियर व्हेन हैज मील, ठीक है। डब्ल्यू कैटेगरी में आप लोग क्या करेंगे, इसको इसी की जगह पे रखेंगे और बाकी सेंटेंस कुछ है वो आप लोग कन्वर्ट कर देंगे। बाकी सेंटेंस कैसे कन्वर्ट होगा, आप लोगों का पैसिव का मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, पैसिव का स्ट्रक्चर आप लोगों का यही वाला जो है फॉलो होगा, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो आप फॉलो करेंगे। सिर्फ W जो है आप लोगों का वेन जो है आप लोग उसको स्टार्ट में रखेंगे, बाकी जो है वो आप लोग कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा समझ आ गया। अब हम लोग FLP देख लेते हैं, हमारा FLP में क्या क्या चीजें थी हमारे पास, इसको जल्दी से देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए। और क्वेश्चन मार्क्स है वो आप लोगों का लाजमी आएगा इस वाले में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क्स है वो लाजमी लगाना। अच्छा जी हमारा FLP में जो है वो, हमारा FLP में क्या था जी, आज टेस्ट नहीं होगा। अच्छा टेस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसकी इसी तरह से ट्रैवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी वजह से ट्रैवल आप लोगों का आज टेस्ट ट्रैवल नहीं होगा। कल से मैं देखता हूँ टॉपिक चेंज होता है तो फिर हम लोग जो है उसके करेंगे, या तो हम लोग इधर ही डिस्कस कर लिया करेंगे, इधर ही आप लोग कर लिया करेंगे, या आप लोगों का जो है वो टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जो है वो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो कवर करें। अच्छा मुझे ये बताइएगा FLP में आप लोगों को क्वेश्चन कौन सा आया था, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, जल्दी से मुझे बता दें फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। इसका समझ आ गया, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई आप लोगों को। अब एक्टिव पैसिव है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया, कौन सा कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस है वो कंप्लीट हो गया। हमने कौन सा किया है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यू किया है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया है। और याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है उसका पैसिव नहीं बनता, और इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव नहीं बनता, और इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव नहीं बनता, और इसके अलावा हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यू जो है उसका भी पैसिव सेंटेंस है वो नहीं बनता। ठीक है जी मुझे ये बता दें कि FLP में कौन सा क्वेश्चन था आप लोगों का। जस्टिस विल बी मेड टू एवरीबॉडी एवरीवन, ये वाला तो नहीं था क्वेश्चन फर्स्ट वाला। FLP में मुझे बता दीजिए, FLP में आप लोगों का जस्टिस विल बी मेड टू एवरीवन, ठीक है जी। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर उसके आंसर लिख लेता हूँ, और आंसर के साथ मैं रीजन भी बता दूंगा कि क्यों इसका चाहिए आंसर है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जस्टिस विल बी मेड टू एवरीबॉडी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जी जस्टिस विल बी मेड टू एवरीबॉडी, फर्स्ट क्वेश्चन था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब हम लोग कॉलोकेशन कर रहे थे, या जब हम लोग मेक और डू का जो है वो टेबल कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जस्टिस के साथ जो है वो, ठीक है जी, जस्टिस के साथ क्या आता है, जस्टिस के साथ डू आता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेड लिखा हुआ है। अच्छा सही था, अभी ईद आई तो नहीं है वैसे, फिर भी खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। तो जस्टिस के साथ हम लोग कौन सा वर्ब लगाते हैं, जस्टिस के साथ हम लोग डू जो है वो लगाते हैं, तो इसी वजह से ये हमारा ये वाला रॉन्ग था। इसकी जगह पे राइट ऑप्शन क्या था, हमारा डन जो है वो राइट ऑप्शन था। ठीक है अनुशे फरकंदा दानिया, ठीक है आपका भी। क्लियर है, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था
बोथ द फ्रेंड्स आर लाइक, और इसमें ये वाला जो है वो आपका अंडरलाइन था, और इसके बाद ये वाला जो है वो वर्ड आपका अंडरलाइन था। तो हमने ये पढ़ा था कि लाइक जो है जब भी यूज करेंगे एज अ प्रेपोजिशन है, जब भी लाइक यूज करेंगे इसको सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हमारा लाइक नहीं आता बल्कि हमारे पास क्या वर्ड आता है इसकी जगह हमारे पास अ लाइक आता है। तो हमारी मिस्टेक किधर थी? ठीक है आयशा, ठीक है जी आपका भी। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक थी, उसका राइट ऑप्शन क्या था? राइट ऑप्शन इसका अलाइक था। हमने क्या करना था? लाइक की जगह जो है वो अलाइक हमारा राइट ऑप्शन था। ठीक है हसन, फरासत, हफ्सा, ठीक है जी आप लोगों का। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन में क्या था? अलाइक और ब्रदर इज अ गुड शेफ। अलाइक हर ब्रदर शी इज अ गुड शेफ। ठीक है जी, ठीक है आयशा, एल्सा, ठीक है जी। हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम है जी? हम लोगों ने लाइक जो है वो एज अ प्रेपोजिशन है तो उसको स्टार्ट में एज अ सब्जेक्ट की जगह जो है वो हम लोग लाइक लगाएंगे, और अलाइक जो है वो हम लोग हमेशा सेंटेंस के लास्ट में या ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जो है वो लगाते हैं। तो ये वाली हमारी जो है वो प्रॉब्लम थी, ये वाली हमारी जो है वो मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर में है जी नॉर्मा पिक्ड इट अप, शी अनलॉक्ड द डोर एंड went into house कर दें, अपार्टमेंट कर दें। अच्छा इसमें दो चीजें आप लोग देख लें, कौन कौन सी चीजें हैं। नंबर वन, आपका पैरेललिज्म जो है सेम फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एग्जाम्पल आपको मिल रही है। देखिए पिक्ड सेकेंड फॉर्म है, अनलॉक्ड सेकेंड फॉर्म है, went सेम फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है। क्लियर? यहाँ पे सेम फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज हुआ, ये हम लोगों ने पैरेललिज्म में पढ़ा था कि हम लोगों ने सेम फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको यूज करना है। अब देख लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या थी। इसमें प्रॉब्लम थी रिडंडेंसी की, प्रॉब्लम थी रिडंडेंसी की। क्या प्रॉब्लम है? कि हम लोगों ने चीजों को रिपीट नहीं करना। लाइक नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने उसे उठाया, तो शी की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ पे। नॉर्मा पिक्ड इट अप, अनलॉक द डोर एंड वेंट इनटू हाउस कर दें या वेंट इनटू अपार्टमेंट। क्लियर है? दो चीजें यहां पे आप लोगों को समझनी है, कौन कौन सी। एक तो आप लोगों की फॉर्म ऑफ वर्ब कि वो आप लोगों ने सेम करनी है, अगर सेकंड है तो वो भी सेकंड है, थर्ड भी आप लोगों की सेकंड है, एक ही सेंटेंस की बात कर रहा हूं। और दूसरा जो है वो आप लोगों का ये जो मिस्टेक थी एक्चुअल वो ये थी कि आप लोगों ने जो है दोबारा से जो है वो रिपीट जो है वो चीजों को नहीं करना, या प्रोनाउन को या नाउन को जो है वो आपने रिपीट नहीं करना। अच्छा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था हमारे पास? फिफ्थ क्वेश्चन में था अली टेल्स अस दैट अली इज अ स्टूडेंट। अच्छा जी प्रॉब्लम क्या थी? ठीक है अफसा और शीजा, ठीक है जी आप लोगों का ये वाला प्रॉब्लम था, शी नहीं आना था। अच्छा दानिया छुट्टियों का आपको बता देते हैं, पहले आप इसको कर लो। छुट्टियां आप लोगों की हैं, ईद की जो तीन छुट्टियां हैं वो आप लोगों को लाजमी मिलेंगे। ठीक है हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमारा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे था। क्यों प्रॉब्लम था? कि हम लोगों ने नेम को रिपीट किया है, हम लोग कभी भी नेम को रिपीट नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दफा नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उसके प्रोनाउन जो है वो लिखते जाते हैं।
अच्छा आप लोगों के लेक्चर पे भी लॉकडाउन लगवा लेते हैं जी। ठीक है जी, समझ आ गया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेपिटेशन ऑफ नाउन से जो है वो बचते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहां पे अली की बजाय लिखना था ही, ही इज अ स्टूडेंट। और यही चीज हम लोगों ने जो है वो नरेशन में भी की है। नरेशन में हम लोग क्या करते थे, नरेशन में अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में नाउन आ जाए तो हम लोग उसको प्रोनाउन के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। अच्छा दानिया बता देते हैं, अभी तक एज इज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तीन तो जो कमेंट ने दी है वो तो आप लोगों की है ना, वो तो उसको तो आप लोग इंजॉय करें, उसके अलावा जो होगी वो आपको बता देंगे। आज 35 मिनट की क्लास है, क्यों जी 35 की क्यों है? समझ आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, हम लोगों ने रिपीट्स है वो, नाउन को रिपीट्स है वो नहीं करना। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं, इसका समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारी जो है वो क्या प्रॉब्लम थी। और ये टेस्ट है वो बड़ा इजी सा आया था और आप लोगों ने जो है वो इसको अच्छे तरीके से करना था, क्योंकि सारी चीजें वही है जो हम लोगों ने पढ़ी है और इवन के एग्जाम्पल जो है उसी से रिलेटेड मैंने दी थी जो आप लोगों ने एग्जाम्पल की थी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है ही आस्क्ड व्हाट वाज योर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास था जी, ही आस्क्ड क्या था जी, ही आस्क्ड व्हाट वाज योर डेट ऑफ बर्थ, ही आस्क्ड व्हाट वाज योर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा ये लेक्चर पे लॉकडाउन जो है वो आप लोगों ने करवाना है, मैंने नहीं करवाना। अच्छा जी हमारे पास क्या है जी, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग इसको देख लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अब ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कहां से आया है, एक तो ये देख लें, हम लोगों ने जो नरेशन की थी उसी का जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है हमारे पास डी ऑप्शन था और डी ऑप्शन क्यों था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो है वो ये था, ए पार्ट है वो ये था और रूल हम लोगों ने एक पढ़ा है और खास तौर पे हमने जो नरेशन में भी पढ़ा है उसके अलावा भी हम लोगों ने पढ़ा था। वो रूल क्या था, वो रूल ये था कि अगर तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, फर्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन वर्ड है तो सेकेंड पार्ट आपने क्या करना है, सेकेंड पार्ट आपने एडजेक्टिव में करना है, स्टेटमेंट में करना है या आपने सिंपल स्ट्रक्चर में जो है वो उसको कन्वर्ट करना है। क्लियर, अगर फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो सेकेंड वाला आपने क्या करना है, सेकेंड वाला आपने सिंपल स्टेटमेंट में करना है। और यही चीज हम लोगों ने नरेशन में पढ़ी थी, नरेशन में क्या पढ़ा था हमने कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं या हम लोग इसको क्या करते हैं असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारी राइट ऑप्शन क्या थी, सेकंड वाला मैं बोल देता हूं, सेकंड वाला था ही आस्क्ड व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर, और सेकंड में है इज योर, तो ये वाली तो ऑप्शन आपकी राइट होगी, क्यों, क्योंकि यू के साथ जो है वो कभी भी इज नहीं आएगा। क्लियर, फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन था के जी व्हाट आर योर, इसको भी हम लोग देख सकते थे आर यूर, ये वाली ऑप्शन हमारी क्यों रॉन्ग थी, वो इसलिए रॉन्ग थी क्योंकि हमारे फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट में था और सेकंड हमारा जो है वो प्रेजेंट में चला गया, जो कि गलत है। रूल हमसे ये कहता है अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो तो सेकंड भी आपने क्या करना है, सेकंड भी आपने जो है वो
पास्ट में करना होता है, नरेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा है। फिर हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन था, वो डी ऑप्शन क्या था कि जी ऑप्शन में लिख लेता हूं, ही आस्क्ड व्हाट योर डे ऑफ बर्थ वॉज, क्लियर है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आप लोगों का राइट ऑप्शन था। क्यों राइट ऑप्शन था? नंबर वन, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड आप लोगों का स्टेटमेंट होना चाहिए, या दो क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो दो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रिपीट नहीं होने चाहिए। कौन सा टाइम हो गया, क्लियर है। और दूसरा हम लोगों ने नरेशन में क्या पढ़ा था, नरेशन में हमने ये पढ़ा था कि हम लोग उसको इंट्रोगेटिव को सिंपल सेंटेंस में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा छुट्टी का बता दें, छुट्टी का वैसे अभी तक तो मुझे भी नहीं पता, छुट्टियां जो है वो आप लोगों की तीन तो आप लोगों की है, उसके अलावा आप लोगों की संडे की भी छुट्टी है, ये भी मैं अनाउंस कर देता हूँ। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा था और उसकी राइट ऑप्शन कौन सी थी और क्यों थी ये भी हम लोगों ने जो है वो पता कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर सेवन, आज टेस्ट नहीं होना लारिश, क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेवन में लिख लेता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास था, ही वॉमिटेड नॉट टू ईट। अच्छा इसका राइट ऑप्शन क्या था जी और किस वजह से था, क्यों नहीं हो सकता दानिया, हो सकता है, आप लोगों को संडे की भी ऑफ है। अच्छा तो इसीलिए तो आपको छुट्टी दे रहे हैं, अच्छा समझ आ गया जी। क्या करना है आप लोगों ने, हमने ये पढ़ा था जब हमारे पास फॉरबिड का वर्ड आ जाए जो कि ऑलरेडी नेगेटिव में होता है, ऑलरेडी नेगेटिव सेंस आपको देता है, और इसके बाद नॉट जो है वो नहीं लगाना हम लोगों ने, तो राइट ऑप्शन क्या था, बख्तावर, ठीक है जी शाबाश। शी फॉरबिड टू ईट, शी फॉरबिड टू ईट, नॉट का हम लोगों ने रिमूव कर देना, नॉट नहीं आना, ठीक है मामला, नॉट जो है वो नहीं आना आप लोगों का, ठीक है। नॉट और फॉरबिड जो है वो हैविंग सेम मीनिंग, तो हम लोगों ने नॉट जो है वो नहीं लगाना, फॉरबिड लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन था आप लोगों के पास, ये आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट में, अली टोल्ड दैट ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अली टोल्ड दैट ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का एट। अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, अच्छा अच्छा फिर ठीक है, आप लोगों को फिर जल्दी ज्यादा छुट्टियां देनी चाहिए, बताओ अच्छा प्रीवियस सेंटेंस में ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, प्रीवियस सेंटेंस कौन सा दानिया, क्वेश्चन सेवन वाला कह रहे हो, सेवन वाला क्वेश्चन कौन सा कह रहे हो, जल्दी से रिपीट कर दो। अच्छा हम लोगों ने नरेशन में कुछ पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि अगर तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट में हो तो हम लोग इसका टेंस भी चेंज कर देते हैं, या एक और रूल था कि अगर फर्स्ट पार्ट एक पार्ट जो है वो टेंस का पास्ट में हो तो सेकंड वाला भी जो है वो पास्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है जो कि गलत है, फिर हमारे पास ऑप्शन है वर्क का ऑप्शन है, ये भी गलत है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ही के साथ कभी भी हम लोग वर्ड जो है वो नहीं लगाते, और फिर हमारे पास एक ऑप्शन था प्लेस का, ये भी हमारा रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट में है तो सेकंड पार्ट जो है वो भी हम लोग पास्ट में करेंगे,
अच्छा ही आस्क वाला मुझे बता दो, ही आस्क वाला मैं एक दफा फिर देख लेता हूँ, ही आस्क वाला ठीक है। अच्छा तालिया मुझे समझ आ गया, वैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं दोबारा से इसको देख लेता हूँ, समझ आ गया। हमारे पास क्या ऑप्शन थे, हमारे पास इस ऑप्शन थी जो कि रॉन्ग है क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमारा पास्ट में है, सेकंड ऑप्शन वर थी, वर भी रॉन्ग है, ही के साथ कभी भी वर जो है वो यूज नहीं होता, थर्ड ऑप्शन हमारे पास प्लेस थी, तो फर्स्ट वाला पार्ट अगर पास्ट में है तो सेकंड वाला प्रेजेंट में नहीं हो सकता, सेकंड वाला भी जो है वो पास्ट में होगा, और लास्ट में हमारे पास राइट ऑप्शन क्या था, राइट ऑप्शन हमारे पास था वॉज, ही वॉज जो कि हमारा राइट ऑप्शन था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 अब मैं दोबारा से देख लेता हूँ, दानिया कह रही थी क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो प्रॉब्लम है, 6 को एक दफा दोबारा कर लेता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 और 10 दो क्वेश्चन हमारे और रह गए उसको हम लोग कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, ही आस्क्ड व्हाट वॉज योर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा दानिया अगर आप देखोगे जो हम लोगों ने नरेशन की थी, और नरेशन में हम लोगों ने पहला पार्ट जो है वो पर्सन प्रोनाउन चेंज किया था, सेकंड वाला जो है वो हम लोगों ने टेंसेस को चेंज किया था, और थर्ड वाला जो है उसमें हम लोगों ने क्या किया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो किए थे, और यहाँ पे वही रूल हमारा अप्लाई होना है। वो रूल क्या था, वो रूल ये था कि हम लोगों ने अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो हम लोगों ने चेंज कर देना उसको चेंज इंटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में जो है वो हम लोगों ने इसको चेंज कर देना है। कब चेंज करना है, जब आप लोगों का फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट में हो। तो यही वाला रूल हम लोगों ने यहाँ पे भी अप्लाई करना था। नरेशन में हम लोगों ने जो इंट्रोगेटिव किया था, इंट्रोगेटिव वाला रूल हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना था, जिसमें हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जी जब भी आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, आपने उसको चेंज कर देना है सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, इसमें आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है, तो ये वाला आप लोगों का इस तरीके से होना था। दानिया समझ आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है जी, ही सेड दैट ही नेवर एट He said that he never eats fruits. ये हमारे पास है वो, ये हमारे पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास ये था। अब इसमें भी आप लोगों का ऑलमोस्ट सेम रूल था, नरेशन वाला था। नरेशन में हमने क्या पढ़ा है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो क्या करना है, इसका टेंस जो है वो चेंज हो जाता है। या एक और रूल था आप लोगों के पास, अगर फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट में हो तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट जो है वो भी आप लोगों का पास्ट में होना चाहिए।
ठीक है, पास्ट है वो पास्ट, पास्ट है सेंटेंस, उसमें उसका सेकंड वाला पार्ट है वो भी पास्ट में आता है। तो ये आप लोगों ने करना था। अब यहाँ पे जो आप लोगों के पास प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आ रहा है कि आप यहाँ पे प्रेजेंट का सेंटेंस लगा रही हो। फर्स्ट वाला आपका पास्ट का है लेकिन सेकंड वाला आप प्रेजेंट का लगा रही हो, जो कि आप लोगों का रॉन्ग। देर तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि ये पास्ट था इसीलिए यहाँ पे भी हमारा जो है वो पास्ट आना था, और पास्ट में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो यहाँ पे हमारे पास एट आना था। ठीक है बख्तावर कोमल, ठीक है जी आप लोगों का आंसर। एक और क्वेश्चन लास्ट वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है जी। अच्छा हमारे पास क्या था जी, कासिम सेड, क्वेश्चन नंबर 10, कासिम सेड। That he shall go to college. तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था जी। अब हमने क्या करना था, वही रूल आप लोगों का, यही रूल जो है वो आप लोगों का अप्लाई होना था। फर्स्ट वाला पास्ट में है तो सेकंड वाला टेंस जो है वो चेंज होगा। रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था नरेशन में, नरेशन में हमने ये पढ़ा था अगर ये पास्ट में हो तो इसका टेंस जो है वो चेंज हो जाता है। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास शी था, तो हमारे पास इनडायरेक्ट में कभी भी शी जो है वो नहीं आता। एक और ऑप्शन थी हमारे पास, वो क्या थी कि गो, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर या इनडायरेक्ट में अगर फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास पास्ट में हो तो सेकंड वाला प्रेजेंट में नहीं हो सकता, या सेकंड वाला जो है वो आपका फ्यूचर सिंपल में नहीं हो सकता। हमारे पास एक और ऑप्शन था, वो ऑप्शन क्या था हमारे पास, वुड था, और लास्ट वाला ऑप्शन जो था वो हमारे पास शुड था। तो हमने ये पढ़ा नरेशन में, हम लोगों ने ये पढ़ा, क्या पढ़ा है कि जी हमने जो है वो शेल को शुड में और विल को वुड में जो है वो कन्वर्ट कर देना है। तो शी के साथ शेल जो है वो नहीं आने वाला, शी के साथ और ही के साथ गो वो भी नहीं आता, गोज आता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो तो सेकंड प्रेजेंट में नहीं हो सकता। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास वुड है, जो कि हमारे राइट वाला ऑप्शन था, और फोर्थ वाला जो है शुड, ही के साथ कभी भी जो है वो शुड नहीं लगाएंगे। क्लियर, तो ये हमारे जो है वो थे कुछ FLP के क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट आप लोगों के 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने किए, और होपफुली आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से किए होंगे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जी हमारे पास एक्टिव पैसिव हम लोग कर रहे थे, दोबारा से उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, पास्ट फॉलो पास्ट, पास्ट अगर फर्स्ट पार्ट आप लोगों का पास्ट में आता है सेकंड पार्ट आप लोगों का पास्ट में आएगा, लाजमी बात है, सेकंड पार्ट भी जो है वो आप लोगों का पास में आएगा। क्लियर है, इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है कि जी फर्स्ट पार्ट अगर पास में आएगा सेकंड पार्ट जो है वो पास में आएगा, या आप लोग जो रूल्स हैं नरेशन के उसको फॉलो कर लें, वो भी सेम रूल है, एक ही चीज है। अगर आप फर्स्ट पार्ट पास में सेकंड पार्ट भी पास में होना चाहिए इस तरह करना चाहते हैं इस तरह कर लें, अगर आप करना चाहते हैं कि जी फर्स्ट पार्ट अगर पास में हो तो सेकंड का टेंस चेंज होता है, तो जब टेंस चेंज होता है तो याद रखिएगा जब भी आप लोगों का नरेशन की बात करें, जब भी ये वाला पार्ट आपका पास में होगा तो सेकेंड वाला पार्ट है वो कभी भी आप लोगों के पास पास्ट में नहीं आ सकता, प्रेजेंट में नहीं आ सकता। तो यहां पे प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है वो कभी भी नहीं आ सकते। अगर आपके पास फर्स्ट वाला जो है वो पास्ट में आ जाता है, सेकेंड में जो है वो आप goes या go जो है या present verb की जो first form है वो कभी भी जो है वो आप लोगों की नहीं आएगी। क्लियर, और अगर आप लोगों का first part जो है वो past में है तो यहाँ पे आप लोगों के पास कभी भी will और shall जो है वो नहीं आएगा, बल्कि इसकी जगह आप लोगों के पास would और should जो है वो आएगा।
आप लोग इस तरह याद कर लें या आप लोग जो है वो इस तरह याद कर लें जैसे आप लोगों का दिल करता है। नरेशन के जो आप लोगों के पास रूल है उसको याद करना है, उसको याद कर लें, या आप लोग ये याद कर लें कि अगर तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट पास में है तो सेकंड पार्ट है वो भी हमारे पास पास में होगा। अच्छा छुट्टी होने वाली है लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा जो है वो सिर्फ रूल उसके पढ़ेंगे हमारे पास जो पास्ट है, क्योंकि आप लोगों के पास दो तीन छुट्टियां वैसे ही आ जानी है, तो दो चार मिनट हमारे पास और हैं उसमें हम लोग जो है वो उसके सिर्फ रूल कर देते हैं पास्ट के, तो फिर कल हम लोग जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए एक्टिव पैसिव की बात कर रहे थे और एक्टिव पैसिव में हमारे पास है वो प्रेजेंट, प्रेजेंट के सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें जल्दी से। हाँ हो गया बस हमला, ठीक है बस हो गया। अच्छा जी ठीक है जी, आप लोग थक गए, मैं खड़ा खड़ा नहीं थका, आप लोग बैठे थक गए जी। ठीक है जी, आज फिर हम लोग इतना ही करते हैं उसको। हमारा जो है वो एक्टिव पैसिव का आज हमने कंप्लीट किया, जो प्रेजेंट का सेंटेंस है। आप बैग बंद कर लीजिए, आप लोग बस बेल का इंतजार करें, जैसे बेल होती है तो आप लोग भाग जाइएगा, और इसी तरह से भागना है जिस तरह जो है वो चोर चोरी करके भागता है। ठीक है, हमारा जो है वो आज हम लोगों ने प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट में हम लोगों ने क्या किया जी, प्रेजेंट में हम लोगों ने प्रेजेंट इनडेफिनिट जो है, प्रेजेंट कंटिन्यू जो है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है, तीन हमारे पास प्रेजेंट के सेंटेंसेस थे, टेंसेस थे जिसको हम लोगों ने पास्ट पैसिव में कन्वर्ट करना जो है वो सीखा। क्लियर, और याद रखिएगा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव नहीं बनता, इसीलिए हमारे पास तीन ही टेंसेस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, तीन टेंसेस थे जिनका हम लोगों ने जो है वो कर लिया। ठीक है जी, आप लोगों का जो है वो ऑफ करते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, या इसको जो अच्छे तरीके से जो आप लोगों को मिलता है वो चाहे इंग्लिश का है, चाहे फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, जो भी है उसको आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और घर में भी जो है उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लिया। क्लियर है? ठीक है जी, जाए जी, नमाज पढ़ लें जी। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।